हेलो सर, कैसे हैं? आज 25 मार्च 2019 है, मंडे का दिन है और आज 11,354 पे निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। उसी पे अपना ओपिनियन लेके आया था। आज 102 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा था। ऐसा नहीं है कि निफ्टी बहुत कमज़ोर हो चुका है और ये अब नीचे चला जाएगा, बट ये आप जहाँ तक आप जो रनअप लिया था उस पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो निफ्टी पे अगर आप मार्च की क्लोजिंग देखने की कोशिश करें तो निफ्टी की क्लोजिंग 11,000 नीचे की ओर है, ऊपर 11,500। अब इसी रेंज में आपको मार्च तक आपको दिखेगा। तो बेस्ट जो इसकी पोजीशन निकल के आ रही है 11,200 से 11,250 की क्लोजिंग निकल के आ रही है। तो आप अगर कोई भी चाहें डायरेक्ट, अगर कोई ऑप्शन नहीं सुनना चाहते हैं, अगर कोई ज़्यादा इसमें रामायण नहीं सुनने की ज़रूरत है, तो आप कोई भी चाहें तो 11,350 का पुट जो आपके अभी मिल रहा है 45 रुपये के आसपास मिल रहा है, आप इसको ले लें तो आपको यहाँ पे आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। ये पेपर ट्रेडिंग करना है। 11,350 का आपको एट द मनी क्या हो रहा है अभी 11,354 पे चल रहा है, तो आपको 11,350 का लेना है। तो 11,350 का अगर लेते हैं जो 45 रुपीज़ में मिल रहा है, यहाँ से आपको अच्छा खासा वैल्यू, पुट की वैल्यू देखने को मिल सकती है। और जो पोजिशन इस तरह से देखने को मिल रहा है वो लगता है 11,200 के अराउंड ये आके आपको यहाँ पे खत्म होते हुए आपको दिख सकता है 11,216-200 के अराउंड, जो कि इनफैक्ट मूविंग 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 11,200 के आसपास अपना बेस ले सकता है। तो इस महीने की क्लोजिंग तक अगर देखें आज तो एडवांसेस 13 थे, डिक्लाइन 37 थे। मीन्स इससे क्या शो करता है, निफ्टी के मैक्सिमम जो इंडेक्स थे शेयर थे वो डिक्लाइन की ओर है। निफ्टी में जितने भी शेयर्स लिस्टेड है तो मैक्सिमम डिक्लाइन की ओर है। गेनर कौन है? IOC, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोल इंडिया और पावर ग्रिड है। तो ये आपके गेनर के रूप में थे। और जो लूजर थे जी एंटरटेनमेंट, इंफ्राटेल, वेदांता, JSW और टाटा मोटर्स, ये एक लूजर के रूप में थे। मेटल सेक्टर में आपको कमजोरी मिल रही है देखने को और वो आज भी मिलेगा। और कॉपर आज भी आपको कॉपर नीचे की ओर दिखेगा। क्रूड एक रेंज बाउंड है, वो रेंज बाउंड में रहेगा, थोड़ा सा आज को गेन नहीं देगा, बट नीचे 4,000 ऊपर 4,100 तक ये रेंज में आपको क्रूड दिखेगा। लेकिन आपको कॉपर में अच्छी खासी बिकवाली और 425 के लेवल तक कॉपर जाते हुए आपको दिख सकता है। तो कॉपर में अगर कोई भी चाहे 420 का पुट के पोजीशन को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जो कि अभी आपको लगभग आपको 2 रुपये का 1.80 के आसपास 2 रुपये में मिल रहा होगा, 2.80 के आसपास मिल रहा होगा। तो 1,000 का लॉट होता है तो 2,850 रुपये लगेगा। लेकिन मेरी इसमें भी कोई पोजीशन नहीं कि आप जाके बनाए, आप देखें समझें और फिर पोजीशन बनाए। जहाँ तक FI की बात है, FI कंटिन्यू बाई है, लेकिन अब जो है बाइंग कैपेसिटी इनकी रिड्यूस होती जा रही है। अब ये 150 करोड़ पे आ गए। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि FI इतना वॉल्यूम से बाई कर रहे थे और अभी रिड्यूस आ रहे हैं, तो अब कौन आएगा? मोस्ट प्रोबेबली अब इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए, अब ये इंडेक्स मैनेजमेंट होगा इलेक्शन तक होगा, DII आएगा। अब जो है FI आना था, FI लगता है अब स्टॉप करेगा और अब DII आएंगे मार्केट में। तो अब आपको शायद देखने को उल्टा मिल सकता है कि DII बाई बढ़ जाएगी, FI बाई कम हो जाएगी, या यू कहें दोनों तरफ से बाइंग सेलिंग कम हो जाएगी, न्यूट्रल जैसे अभी दिख रहा है आज का डेट में न्यूट्रल टाइप का ऐसा ही दिखेगा आपको। 150 करोड़ और 12 करोड़ का सेल DII की तरफ से दिख रहा है। इंडेक्स की बात कहें तो इंडेक्स सभी रेड कलर में है और विक्स जो है 16.2 बढ़ के 16.67 जा रहा है, मतलब कि मार्केट में थोड़ा सा वीरनेस दिखता है। अगर सारे सेक्टर करें, सेक्टरल बात करें तो बैंक 1.02% के साथ, ऑटो 1.18 के साथ, सबसे ज़्यादा निफ्टी मीडिया गिरा 2.76 के साथ, और प्राइवेट बैंक 1.27, 1.33 PSU बैंक और रियलिटी 1.93। कमिंग डेज में जो इंडेक्स काम करेगा वो सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स काम करने वाला है रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग एज में और PSE बैंक, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है, ये तीन सेक्टर पे आप फोकस रखिएगा। ये तीन सेक्टर आगे कमिंग एक साल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मैं फिर से इस वीडियो में बताता हूँ क्यों अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फॉल हैं सेक्टरल इंडेक्स 1 ईयर के बेसिस पे। कौन कौन सा है? निफ्टी रियलिटी, निफ्टी PSE, अब यहाँ पे देखिए निफ्टी PSE जो आज भी अप हो रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और निफ्टी इंफ्रा, यहाँ पे आप तीनों सेक्टर पे वाच रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है सेक्टरल इंडेक्स पे, ये तीनों आगे के डेज में, आगे सेक्टरल इंडेक्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके जो भी शेयर है इनमें आप इसको वॉच लिस्ट पर रखिए और देखिए
जो उसमें सबसे ज्यादा फॉल किए आप वहां पे, और अच्छा है उस पर आप, जैसे एनबीसीसी हुआ या आईबी, आईआरबी इंफा वापस गिर रहा है बट इस पे जा सकता है ऊपर, और एससीसी हुआ, एनएचपीसी हुआ, तो ये सब आप जा करके उस पर से देख सकते हैं, जो भी गिरा हुआ है वहां से आप उसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। वॉच लिस्ट पे रखना है, लगता अच्छा तो आपको बाय करना है। आगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए नहीं बता रहा था। अगर हम एक बार इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो ये क्या कर रहा है, निफ्टी क्या किया, जो वीकली इंडेक्स में देखेंगे तो ये हाई था और ये इसका यहाँ पे, यहाँ से वीक चालू किया था इसने, तो इसने लास्ट वीक के जो लो को था, जो कि इसका लो था 11370, इसको तोड़ते हुए आज, आज इसने जो क्लोजिंग दी 11354 पे दी है, मीन्स लास्ट वीक के पूरे गेन को खत्म करते हुए नीचे की ओर दिया हुआ है, मीन्स बेरिश इंडिकेशन तो है, ये मैंने आपको कल ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ, ये बेरिश इंडिकेशन है, बट ये बहुत बड़ा बेरिश नहीं है। और ये इसके पहले का जो वीक क्लोजिंग है वो 11058 है, तो इस वीक को नहीं तोड़ने वाला वो, यहाँ से अभी ये वीक जो खत्म हुआ, वीक वीक मीन्स फ्राइडे टू थर्सडे, ये वीक रहा, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, अब ये जो फ्राइडे टू थर्सडे है वो ये सेकेंड वीक है, तो मोस्ट प्रोबली इस वीक में ये रहने को आपको दिख सकता है, इस वीक में आपको यहाँ पे दिख सकता है, इस वीक से नीचे फॉल नहीं करना चाहिए। और ये जो इसका वीकली है वो 11058 है, ये जो वीक चालू हुआ था ये आपका 8 तारीख को चालू हुआ था, तो ये जो चालू हुआ था 11038, हाई बनाया था 11049, तो आप इसको 11038 पे यहीं पे रख लीजिए, कोई बात नहीं, आप 45 जो भी ये इस पे रख सकते हैं, तो ये वीक से ये क्लोज किया था तो इसी वीक को फॉलो करेगा, और हो सकता है कि ये आपको फिर यहाँ भी दिख रहा है 11383, 313 के बाद इस कैंडल को फॉलो करे जो कि लो 11276 का बनता है, और ऐसे ही करके यहाँ पे घूमते हुए आपको इस वीकली एक्सपायरी क्लोजिंग करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। अगर मूविंग एवरेज के बेसिस पे देखें तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे इसने क्या किया है, इसने जो इसका 9 दिन का एवरेज था 11371, उसको ब्रीच करते हुए नीचे की ओर गया हुआ है, और अब जो इसका नेक्स्ट मूविंग एवरेज है 20 दिन का वो 11216 है, और अगर उसको तोड़ता तो 11023, मोस्ट प्रोबेबली ये 11023 के नीचे नहीं जाएगा 31 एक्सपायरी के पहले तक। जिस तरह से वॉल्यूम एक्शन है अब देखेंगे, वॉल्यूम पे भी देखें तो वॉल्यूम जो है मोर देन 20 क्रॉस कर रहा है, जो इसका ये मूविंग है जो इसका वॉल्यूम 20 है, तो इसको क्रॉस करते हुए हर बार टच कर रहा है, इस वॉल्यूम भी है मैं सफिशियंट वॉल्यूम है इसको तोड़ने के लिए, यह अलग बात है कि जितना तोड़ता है फिर उतना ही पे क्लोज होता है। आप देखेंगे ओपनिंग 11383 पे हुआ, 11354 पे क्लोज भी दिया, जो गैप अप ओपनिंग किया वहीं पे क्लोज भी दे देता है, तो चाहे ये गैप अप ओपनिंग दे चाहे जो भी दे, ये 11216 तक जा सकता है। अगर मैं बाहरी इंडेक्स की बात करूं, दुनिया जो अभी चल रहा है, तो अभी डो जोन्स में देखेंगे 27 पॉइंट का गेन दिखा रहा है, S&P में 13.13 न्यूट्रल दिखा रहा है यहाँ पे मार्केट, और अगर कॉमोडिटी में देखें तो गोल्ड देखिए क्या है, 1328 की क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, क्रूड WTI अपने गेन को न्यूट्रल कर रहा है, ये अच्छा खासा फॉल कर चुका था लेकिन वापस गेन में आ रहा है, ब्रेंट और क्रूड, नेचुरल गैस लोअर में, सिल्वर लोअर है, कॉपर देखिए नीचे की ओर था, अब ये भी गेन ले रहा है, कॉपर भी गेन ले रहा है, तो ये मार्केट में थोड़ा सा ये गोल्ड अच्छा खासा पोजिशन आपको दिखा सकता है क्रूड की ओर, क्रूड में अगर बात करें, मैं कॉमोडिटी में बात करें तो। अब अगर इसको अगर हम डेरिवेटिव पोजिशन पे देखने की कोशिश करें तो आज जो 25 मार्च की क्लोजिंग है 11354 पे, 28 मार्च की क्लोजिंग है, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, पुट अपने को सपोर्ट देता है, कॉल अपने को रेसिस्टेंस बताता है, क्योंकि कॉल में ऊपर की ओर जाता है, पुट में नीचे की ओर जाता है, तो जब नीचे की ओर जाता है तो आपको सपोर्ट बताता है कि कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट मिल सकता है, जब ऊपर की ओर जाता है तो कहाँ कहाँ आपको चढ़ने में दिक्कत आ सकती है वो बताता है। तो अगर एट द मनी 11354 की बात करें तो 11300 पे जाए, 1350 पे जाए, तो क्या हो रहा देखने को मिलेगा आपको कि 6,14,000 से कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है, मतलब आप ऊपर नहीं जाने देंगे हम तुमको 11350 पे भी नहीं जाने देंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव है और यहाँ बाइंग आ रही है, 2,92,000, 3,44,000, 11,250 पे 3,19,000 का सबसे ज्यादा बाइंग, 3,19,340 का 11,300 पुट पे, 11,250 पे 3,19,000 का, इनफैक्ट 11,100 पे भी 1,11,000 का हो रहा है, और सबसे ज्यादा ओपन इंट्री 11, आप देखेंगे 11,000 पे 35 लाख का है, लेकिन यहाँ से अनवाइंडिंग हो रहा है पोजिशन, मतलब चांसेस क्या है, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे अब जो थे पोजिशन उनको लग रहा है कि 11,000 नहीं जाएगा, इसके लिए यहाँ से अनवाइंड करके निकल रहे हैं,
और कहीं 11,050 की ओर पोजीशन बना रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि 11,050 तक तो जा सकता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है 11,100, जहां पे अच्छा खासा पोजीशन 1,11,000 का बनता है और 19 लाख का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो बेहतर जो रेंज निकल के आ रहा है वो 11,100 से लेकर के नीचे की ओर आ रहा है और 11,300 तक का आ रहा है। 300 इसलिए भी नहीं आ रहा है, 300 इसलिए बोल सकते हैं, यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 11 लाख का है और 300 से नीचे जाएगा ही तो 250 की ओर बोल सकते हैं, 87,000 का है और ज़्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं, रेसिस्टेंस नहीं है, तो हो सकता है 11,100 से 11,250 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर देखें तो ये किसी भी कंडीशन में 11,500 जो कि 35 लाख का है और आज भी 6 लाख से एडिशन हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो यहाँ से अब लोग अनवाइंड करके निकल रहे हैं प्रॉफिट, ये यहाँ से अनवाइंड कर रहे हैं और नीचे की ओर शॉर्ट कर रहे हैं 11,600-650, वो तो पहुँचना ही नहीं है उनको। अब यहाँ से अनवाइंड करके नीचे की ओर पोजिशन ह्यूज क्वान्टिटी में बना रहे हैं क्योंकि प्रीमियम नीचे की ओर मिलेगा उनको। तो एक जो दायरा देखने को आ रहा है आपको नीचे की ओर देखने को आ रहा है और 11,250, 11,300 या 11,350, 250 से नीचे की वैल्यू आपको लेने की जरूरत नहीं है। 11,250 का जो लास्ट एड्रेस पे 19,40, 11,300 का 30 रुपया, 11,350 का 45 रुपया 70 पैसे। जब भी आपको पुट या कॉल खरीदना है तो इंदा मनी खरीदिए, भले 10 पॉइंट खरीदिए तो 11,354 है और इंदा मनी अगर हम देखें पुट की ओर जब हमको जाते हुए जा रहा है तो 11,350 लेंगे, 4 पॉइंट ऊपर है जो कि 45 रुपये में सिर्फ मिल रहा है, तो 75 का लॉट होता है। तो 7×28 = 35, 3,500 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ये आपको पेपर ट्रेडिंग देके बता सकता है। तो कहीं पे भी आपको 11,350 का पुट जो है आपको अच्छा खासा यहाँ से मार्जिन दे सकता है। 28 मार्च का पुट है, 11,350 का है। आप देखेंगे आज ही ये 39 का लो बनाता है, 64 का हाई बनाता है, 68% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, 1,35,000 का बाइंग, 1,30,000 का सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे के रूप में आपको 11,350 मिल सकता है, आपको इसको वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। पुट को 11,350 का पुट ये वॉच लिस्ट पे आपको रखना चाहिए। मेरा इंडेक्स में ना तो कोई बाइंग रिकमेंडेशन है ना तो सेलिंग रिकमेंडेशन है। जैसा मैं ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं खुद बाइंग नहीं करता हूँ, सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि आप इसमें आपको अगर कैश लॉस होता है या कैश गेन होता है तो अच्छा खासा पैसा इसमें आपको जा सकता है। तो जब मार्केट सेंटीमेंट, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल है कि इसको नीचे की ओर जा सकता है, फिर भी अगर आपको कोई बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही पोजीशन बनाएं। मेरा आज के डेट में इसमें कोई भी निफ्टी पुट पे पोजीशन नहीं है, रहता है लेकिन आज नहीं है, इसलिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप बाय करें या सेल करें। 11,350 के पुट को आप देख सकते हैं, वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, अच्छे रेट पे मिल रहा है और यहाँ से ही अच्छा प्राइस आपको दे सकता है। लेकिन आप इसको वॉच लिस्ट पे मतलब पेपर पे लिख के रखिए 45 रुपये 70 पैसे, 45 रुपये लिख के रखिए और देखिए कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। और जिस तरह से मैं आपको पोजीशन बताया कि यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बना रहा है, इसके लिए चांसेस क्या है, ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बाइंग रिकमेंडेशन। और आपको 11,150 पे ही प्राइस गेन मिल रहा है, उसके नीचे प्राइस गेन नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी भी हालत में 11,150 माने 11,200 से नीचे जाने की तो जरूरत ही नहीं है किसी भी हालत में। तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, वॉचलिस्ट कीजिए रखिए, लेकिन बाय मार्केट में अगर करना हो आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कीजिएगा। मेरा कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत